दोस्तों यहाँ पर मेरे पास फ्री डिस्क का सेटअप बॉक्स है जिसमें नो सिग्नल या वीक सिग्नल की समस्या आ रही है। मतलब बेसिकली ज़्यादातर इसमें नो सिग्नल की समस्या आ रही है। दोस्तों हम इसको रिपेयर कैसे कर सकते हैं और इसमें क्या क्या फॉल्ट हमें देखना होगा, और बेसिकली उसके अदर एक दो फॉल्ट और भी बता दूंगा जिसकी वजह से नो सिग्नल की सबसे ज़्यादा समस्या हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है और हेल्पफुल भी होने वाली है। अगर आप नया सीख रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर समझाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसके जितने भी एक चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर इसको मैंने ऑन करके छोड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ इस तरीके का बना रहा है। अब इसको ऑफ़ करके मैं ऑन करता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ऑन है, उसके बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर डिजिट हमको शो होगा। तो देखते हैं, यहाँ पर जीरो इसलिए बना रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे चैनल डिलीट कर लिए थे और ऑटो स्कैन करने बैठा तो यहाँ पर नो सिग्नल यहाँ पे आ रहा था। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने इसको खोल लेना है, सारे स्क्रू वगैरह खोल लेना है, उसके बाद मैं बताता हूँ इसके किस सेक्शन पर हमने जाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने किस सेक्शन को देखना है, तो एक मल्टीमीटर को हमने ले लेना है और यहाँ पर हमने 200 की रेंज पे सेट कर लेना है। और फिर कहाँ पे हमने छेड़ना बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपको देखिए, थोड़ा आपको जूम करके भी दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ सप्लाई हमें मिलनी चाहिए। यहाँ पे लिखा भी होता है, अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर लिखा होता है। देखिए यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर लिखा होता है, आपको दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ये तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा रहेगा। यहाँ पर 5 वोल्ट पहले वाली पिन में इस तरफ से गिनेंगे, यहाँ पर 5 वोल्ट, फिर ग्राउंड, फिर 24 वोल्ट, फिर 12 वोल्ट और फिर ग्राउंड, और फिर 3 वोल्ट और 4 वोल्ट या 5 वोल्ट मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको आप ग्राउंड कर लीजिए। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे इसको ग्राउंड कर लेना है, ग्राउंड बॉडी में कहीं भी इसको अटैच कर लीजिए और यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिएगा, पहली वाली पिन में हमें 5 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। चलिए थोड़ा सा कम चलता है क्योंकि अभी लोड पर है तो 4.7 चलेगा इतना। और फिर देखिए दूसरा वाला ग्राउंड है, तो तीसरा वाला 21 वोल्ट है, 24 वोल्ट लगभग हमें मिलना चाहिए। चलिए 21 वोल्ट पे भी देख लेते हैं, उसके बाद ये पिन को हटा के देखेंगे। देखिए अभी है इसमें 15 वोल्ट, कोई बात नहीं, इतना तो बेसिकली चलता है। और लास्ट वाली पिन में इसमें 3.3.2, तो लगभग इसमें भी सारी वोल्ट ओके हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सारे ये वाले प्लग को हटा लेते हैं। देखिए इसको हटा लेते हैं और अब देखेंगे इसकी वोल्टेज। तो अब यहाँ पे ग्राउंड बता दूँ, इस तरफ से दूसरे नंबर की और उस तरफ से दूसरे नंबर की पिन ग्राउंड की होती है। तो ग्राउंड कर लीजिए और सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट के आसपास मिल रही है, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखिए 21 वोल्ट, यहाँ पे हमें कितनी मिलनी चाहिए, 24 मिलनी चाहिए थी, यहाँ पर 21 हमें मिल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें गड़बड़ी है। और इसके बाद इसमें देखते हैं 15 वोल्ट बिल्कुल ओके है, फिर यहाँ पर देखते हैं ये 4 वोल्ट, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें जहाँ पे हमें मिलनी चाहिए थी कितनी, 24 वोल्ट, और कितनी मिल रही है, 20 वोल्ट। देखिए क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ से पिन नंबर 3 में हमें कितनी मिल रही है, 20 वोल्ट, हमें मिलनी चाहिए थी कितनी, 24 वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहीं पर है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको हटा के अलग कर लेना है, और फिर जो तीसरे नंबर की पिन है उसकी डायोड और हमने कैपेसिटर को हमने चेक करना है। चलिए सबसे पहले इसको हटा लेता हूँ। इसको बंद करने के बाद इसके सारे प्लग व्लग हटा लेते हैं और फिर यहाँ पे हम देखते हैं। तो चलिए इसको हटा लिया है, इसको भी हटा लिया है, और ये सारे हटा के आपको इसको बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसके SMPS इसको मैंने हटा के अलग कर लिया है, और देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से तीसरे नंबर का जो 24 वोल्ट का है उसको हम ट्रैक करते हैं। देखिए 1 2 3, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर ये वाला जो है, देखिए आपको क्लियरली दिखाऊं तो ये देखिए 1 2 3 1 2 3, ये जा रहा है इस कैपेसिटर पे, जस्ट पहले नंबर का कैपेसिटर है, और उसके बाद ये लाइन जा रही है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए एक डायोड यहाँ पर है, देखिए यहाँ से दूसरे नंबर के डायोड, इनको हमने चेक करना है। देखिए इस डायोड को और इस कैपेसिटर को, तो सबसे पहले अगर चेक करके भी ओके आता है तो फिर हमें करना क्या होगा, दूसरी वाली डायोड डाल देनी इसी नंबर की। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को बजर की रेंज पर रख लिया है, इसे हम डायोड की रेंज भी कहते हैं, कंटिन्यूटी और बीप भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो तीसरे नंबर का था, यहाँ पर ये वाला, तो ये कैपेसिटर और ये है डायोड,
तो ये डायोड है ये वाली, देखिए यहाँ से दूसरे नंबर की डायोड है, तो ये वाली हमने चेक करनी है। देखिए तो ये बिल्कुल इसमें 500, ये थोड़ा गड़बड़ इसका वोल्टेज बता रहा है, और एक बार इसको भी चेक करना है, इस वाले कैपेसिटर को हमने चेक करना है। देखिए तो यहाँ पर तो ओके बता रहा है, लेकिन इस कैपेसिटर और इस डायोड को हमने चेंज कर लेना है। अगर चेंज करने के बाद फिर देखेंगे कि अब वोल्टेज हमें कितनी मिल रही है। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस कैपेसिटर को हटा दीजिए। इस तरीके से ये कैपेसिटर आसानी से हट जाएगा। तो कितने μF का है, ये है 25 वोल्ट और 220 μF का। तो चलिए मैं दूसरा वाला यहाँ पर कैपेसिटर यूज़ करूँगा। और देखिए सबसे पहले हम कैपेसिटर चेंज करके देखेंगे, उसके बाद फिर भी वोल्टेज हमें सही नहीं मिली तो फिर हम डायोड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर मेरे पास है 25 वोल्ट 220 μF का, देख सकते हैं आप। और दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे अलग से पड़ा हुआ ख़राब वाला, वो जो हमने हटा लिया था। अब इसको हमें प्लस माइनस इसका किस तरीके से देखना है, जो नए लोग हैं उन्हें पता नहीं होगा। यहाँ पर ये जो आप जो यहाँ पर एक डिज़ाइन देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ वाइट कलर की डिज़ाइन, वो माइनस का होता है। और कैपेसिटर का यहाँ पर जो माइनस है, ये देखिए ये वाला माइनस का है, इसको हमने जस्ट इसके ऊपर लगा लेना है। माइनस को डिज़ाइन की ओर को हमने लगा के यहाँ पे सोल्डरिंग कर देनी है। तो चलिए इस तरीके से हमने इसको लगा के अब इसमें सोल्डरिंग अच्छी तरीके से कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इसकी वोल्टेज को हम चेक करेंगे। तो चलिए इसको मैंने सोल्डर कर लिया है, इसको अच्छी तरीके से सोल्डर कर लेता हूँ, फिर इसकी वोल्टेज को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट वगैरह अप्लाई कर लीजिए ताकि हमारी सोल्डरिंग और अच्छी तरीके से मजबूत हो जाए। तो देखिए ये तो सोल्डर हो चुका है। अब इसकी वोल्टेज को हम चेक करेंगे। देखिए वोल्टेज चेक करने के बाद हमें फिर भी दिक्कत लगेगी तो हम इस डायोड को हम चेंज कर लेंगे। ये वाली जो डायोड आप देख रहे हैं, इसको हमने फिर इसको हटा के चेंज कर लेना होगा। चलिए पहले ऐसे ही हम लोग इसकी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे कनेक्शन वगैरह कर लिए हैं, अब इसके वोल्टेज को हम चेक करेंगे। यहाँ पर DC 200 की रेंज पर हमने रख लेना है। यहाँ पर तीसरे नंबर की पिन थी जो हमारी 24 वोल्ट की थी, ये देखिए यहाँ पर, और ये वाला ग्राउंड का इस तरफ से दूसरे नंबर का अभी भी 20 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अब हमने क्या कर लेना है, इसकी डायोड को हटा के दूसरी डायोड को यहाँ पर डाल देना है इसी नंबर की। तो अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हमें मिला, तो हमने क्या करना है, अब इसकी डायोड को हमने चेंज कर लेना है। चलिए डायोड को चेंज कर लेते हैं। उससे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर कुछ वोल्टेज यहाँ पर स्टोर होगा। एक मिनट इसको हटा लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ वोल्ट इसका स्टोर रहता है, तो आप इसको शॉर्ट वगैरह कर लीजिए। शॉर्ट करने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप किसी भी लोहे की प्रोब को या किसी भी प्रोब का आप इस तरीके से शॉर्ट कर लीजिए। चलिए ये शॉर्ट हो चुका है। इसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो उसका भी एक उपाय है, लास्ट में आपको बता दूंगा। चलिए इसको बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसकी डायोड जो यहाँ पर दूसरे नंबर की है इस तरफ से, ये देखिए यहाँ से दूसरे नंबर की डायोड, इसको मैं हटा लेता हूँ। तो चलिए डायोड को हटाने के बाद देखते हैं इसमें कोई दिक्कत वगैरह ठीक हुई कि नहीं। डायोड को इस तरीके से हमने हटा लेना है। चलिए डायोड भी हट चुकी हमारी, एक चिमटी का मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा ताकि डायोड को निकालने में आसानी मुझे हो। तो इस तरीके से ये डायोड निकल के बाहर आ चुकी है, और यहाँ पे इसको इस तरीके से पकड़ के यहाँ से हमने खींच लेना है। ये देखिए डायोड भी निकल के बाहर आ चुकी है। चलिए डायोड निकल चुकी है। अब डायोड कितने नंबर का है ये आपको बता दूं। यहाँ पर डायोड है FR107, नीचे लिखा हुआ M10। डायोड ये है FR107 की। तो चलिए मैं यहाँ पर इसी नंबर की एक दूसरी डायोड यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक पुरानी PCB पड़ी थी, इसी की मैं डायोड निकाल के इसमें लगा लूँगा। तो चलिए इसको मैं निकाल लेता हूँ, फिर यहाँ पर इसको लगा लूँगा। तो चलिए इस डायोड को मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। देखो ख़राब वाली डायोड यहाँ पे पड़ी है, FR107 आपको बताया था। और डायोड को जो लगाने का तरीका है, ये देखिए आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे जो कुछ कलर वाली आपको वाइट कलर की जो आपको लाइनें दिख रही है, उसको आपने डायोड का यहाँ पे जो सिल्वर पट्टी आपको दिख रही है उस साइड को लगा लेना है। देखिए जो हमारे मैकेनिक भाई हैं वो तो अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो नया इसको सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है इन चीज़ों को। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर एक चिमटी की मदद से इसको मैंने लगा लेना है। काफ़ी छोटी जगह है और दिक्कत भी होती है,
तो यहाँ पर इस तरीके से इसको मैंने लगा लिया है। चलिए उसको सोल्डरिंग वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे इसको इसमें पेस्ट वगैरह लगा लेता हूँ ताकि हमारी जो है सोल्डरिंग मजबूत रहे। तो चलिए यहाँ पर इसको जल्दी से मैं इसको सोल्डर वगैरह कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ और चेक करवा दूँगा और उसके बाद देखते हैं। उसके बाद ये भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं होगी तो फिर आपको तीसरा मेथड यहाँ पर बताऊँगा। चलिए ये तो हमारा हो चुका है, अब करते हैं इसकी टेस्टिंग। चलिए यहाँ पर कनेक्ट कर चुका हूँ और इसको रखता हूँ 200 की रेंज पे। अब देखिए अब इसकी वोल्टेज हम टेस्ट करके देखेंगे इसमें अब क्या अंतर देखने को हमें मिला। तो इसको कर लेता हूँ मैं ग्राउंड पे, इसको ग्राउंड करके 30 नंबर की पिन में हम देखते हैं। तो यहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे, इस वाले जो मेन हमारा ये हमारा जो कैपेसिटर है उसको ही चेंज कर देंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें कोई अंतर आया है कि नहीं। और इसमें भी अगर आपको इसके चेंज करने के बाद भी आपको इसमें वोल्टेज ज़्यादा नहीं दिखती है तो फिर आप इस पर क्या कीजिएगा, स्कैन वगैरह करके देख लीजिएगा। कभी कभी वोल्टेज उतनी ही रहती है लेकिन यहाँ पे हमें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हमारी हो जाती है। तो सबसे पहले इसकी कैपेसिटर को ही मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू देख लेते हैं, 47 UF और 450 वोल्ट की। तो चलिए पहले इसको भी हम चेंज करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमें तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद नहीं होता है तो स्कैन वगैरह करके मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि ये कैपेसिटर कमज़ोर होने की वजह से भी हमारा दिक्कतें आती हैं और वैसे भी सॉल्व हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो प्रॉब्लम है आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर आप इसके जैसे यहाँ पर 450 वोल्ट है, 47 UF नहीं है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा आप UF का मत लगाइए और 25-30 UF का भी आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरे पास एक कैपेसिटर पड़ा है जो 47 UF का, थोड़ा बड़े साइज में है। चलिए इसको ही यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। इसका माइनस प्लस आपको बताया था, वो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए इसको यहाँ पर मैं सोल्डरिंग वगैरह करके इसको भी आपको टेस्ट करवा देता हूँ। चलिए ये भी यहाँ पे सोल्डर हो चुका है और ये भी अच्छी तरीके से हमारा सोल्डरिंग इस पर हो चुकी है। तो यहाँ पे इसके लेग पे कार्बन भी थोड़ा लगा हुआ है, तो इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना है, इन चीज़ों को भी आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। तो चलिए अब इसकी वोल्टेज को हम फिर से चेक कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हमने लास्ट में स्कैन वगैरह कर लेना है, क्योंकि इसके जो जो वीक सिग्नल में जो प्रॉब्लम आती है तो उसकी प्रॉब्लम को हमने आसानी से सॉल्व तो कर लिया है, फिर भी हमने चेक करना है। चलिए अब इसको ऑन कर लिया है, अब इसकी जो ब्लैक प्रोब को है इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं और यहाँ पर हम तीसरे नंबर के पिन पर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्टेज हमारी, एक मिनट आपको दिखा दूँ, देखिए वोल्टेज हमारी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए 21 और 22 के आसपास पहुँच चुकी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब क्या जो वीक सिग्नल की जो समस्या थी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो चुकी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले इस कैपेसिटर को और इस डायोड को हमने चेंज करना है। अगर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आपने फिर मेन कैपेसिटर को ही चेंज कर लेना होगा, क्योंकि वीक सिग्नल की समस्या इससे भी सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। तो तीन स्टेप बता दिए और एक स्टेप और बता दूँ, अगर आपके पास एक या दो मिनट का और टाइम हो तो आपको बता दूँ, ये जो वीक सिग्नल या नो सिग्नल की समस्या थी जो इनकी वजह से तो आती आती है लेकिन इस और इन कैपेसिटर की और इन डायोड्स की वजह से भी आती है। तो इनके इसके बाद भी आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप इन डायोड्स को भी चेक कर लीजिए और इन कैपेसिटर को भी आपने देख लेना होगा। तो इतना सब करने के बाद आपकी प्रॉब्लम आसानी से दूर हो जाएगी। आपको वोल्टेज यहाँ पे फिक्स नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप स्कैन वगैरह करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और इस तरीके से बहुत सारी वीडियो मैंने बना के रखी है वीक सिग्नल पर अलग अलग जो फॉल्ट आता है। दोस्तों वीडियो भले ही लंबी होती है लेकिन आपको एक कंप्लीट नॉलेज देकर वीडियो में बताने का जो है अलग ही मज़ा है, ताकि आप लोगों को भी सीखने के लिए कुछ नया हमेशा मिलते रहे। बोरिंग टॉपिक बनाने की कोशिश तो कभी नहीं की, लेकिन कोशिश यही की है कि आप लोगों को टॉपिक इंटरेस्टिंग रोज़ हमेशा लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 वोल्ट, इसमें भी 16 वोल्ट हो चुकी है और यहाँ पर कितनी आ गई है, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 4
देखिए यहाँ पे भी बढ़ चुकी है, जहाँ पे हमारी तीन यहाँ पे दिखा रहा था वहाँ पे भी हमारी वोल्टेज बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे सारी वोल्टेज हमारी लगभग ज़्यादा ही दिखा रहा है, और जब क्या करेंगे इसमें लोड देंगे तो बिल्कुल ओके कंडीशन में यह हमारा चलने लगेगा। तो चलिए इसको मैं पैक वैक कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो वीक सिग्नल की समस्या थी दूर हुई कि नहीं, आपको लाइव इसमें टेस्ट करके मैं दिखा दूंगा। चलिए सबसे पहले इसको मैं बोर्ड पे लगा लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसको पैक वैक करके आपको सीधे टीवी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने डब्बा और टीवी वगैरह सारा सेट कर लिया है, और यहाँ पर आपको दिखाया था जैसे कि मैंने ऑलरेडी चैनल इसके डिलीट किए हुए थे, तो स्कैन करने के बाद कोई भी चैनल ऐड नहीं हुआ था। अब इसकी सारी सेटिंग हमने करनी है, यहाँ पर मेनू में जाना है, और देखिए यहाँ पर चलिए प्रोग्राम सेटअप पे जाने के बाद आप कीजिए इसको ऑटो स्कैन। ऑटो स्कैन करने के बाद इसको कुछ देर के लिए हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं इसमें कितने प्रोग्राम हमारे ऐड होते हैं। तो स्कैनिंग करना स्टार्ट हो रहा है, देखिए अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको लाइव दिखाऊँगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं, TP1 पे अभी स्कैन कर रहा है। TP जितने भी यहाँ इस पर आपका एक चीज़ डिपेंड करता है, आप अभी इसमें कुछ फेक चैनल आ रहे हैं, फेक चैनल तो नहीं कहेंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो कुछ नॉलेज के भी आते रहते हैं, बहुत सारे इसमें चलते रहते हैं। तो होता क्या है, अगर आपकी LNB और छतरी की स्ट्रेंथ अच्छी है तो यहाँ पर ज़्यादा सिग्नल ज़्यादा चैनल यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर जो छतरी वगैरह है अभी उसकी स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं है, तो फिलहाल इसमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर चैनल ऐड हो जाएंगे। तो आपको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है, ताकि काफ़ी लोग कमेंट करके ये कहते हैं कि भाई आप यहाँ पर फेक वगैरह ऐसी बातें करते हैं। तो काफ़ी मैं 250 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो इनमें कई सारी DTH रिपेयरिंग की भी होती हैं, तो आप उन वीडियोस को जाके भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो यहाँ पर पहले स्कैन करके मैं दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर लगभग 54 TV के, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 रेडियो के चैनल, रेडियो का तो वैसे कोई सुनता नहीं है, TV के ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो 54 यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, चलिए कुछ देर और वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर TV पे कुछ ना कुछ चलना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा कॉपीराइट की समस्या भी आती है, इस वजह से मैं इसको कट वगैरह कर लेता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर चैनल चलना स्टार्ट हो गया है, मैं इसको पूरा नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट की सबसे ज़्यादा समस्या हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से मैं आधी स्क्रीन में दिखाऊँगा, तो देखिए सारे चैनल लगभग यहाँ पर चल रहे हैं, तो देख लीजिए आप। यहाँ पर आपको सिग्नल दिखाऊं तो देखिए सिग्नल दिखाऊं तो यहाँ पर कितने सिग्नल हमें अभी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरी छतरी और LNB की स्ट्रेंथ कुछ खास नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद है, पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करना, और हाँ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।